टू माय चैनल टीसी द कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं घर में किस तरह से चिल्ली फ्लेक्स को बनाना है। बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो वो जल्दी भी बनते हैं और अच्छे घर में जो फ्रेश मिर्चों के अपन बनाएंगे और मिलावट से भी बचे रहेंगे। इसलिए ये मैंने लिए हैं मिर्चे हैं, ये 100 ग्राम से के खाली मिर्चे हैं। देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी हैं, लाल वाली ये लिए। अब मैं इन सबको इस तरह से काट लूँगी और इसका जो डंठल है उसको अलग कर दूंगी। मैंने एक पैन लिया है और उसकी जो गैस की फ्लेम है वो मैंने लो करके रखी है और उसमें ये जो मिर्चें हैं वो सब इसमें डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में इसको सेकना है बस, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसको गलाना भी नहीं है और ना वो ज़्यादा सा कलर चेंज करना है। बिल्कुल सेम आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको सेकूँगी ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हमारी जो मिर्चें हैं वो अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं और अब इनको क्या करेंगे इसमें। कहीं ये आपके पास कोई भी रामदस्ता बोलते हैं या खलबट्टा जो भी हो वो उसमें डाल के इसको थोड़ा थोड़ा स्पूट लें। अगर आपके पास ये नहीं है इससे क्या है इसके जो फ्लेक्स हैं अच्छे आएंगे, इतने ना ज़्यादा बारीक होंगे ना ज़्यादा मोटे। अगर ये नहीं है तो आप इसको मिक्सर में डालकर किस तरह से पीसना, थोड़ी एक सेकंड के लिए चलाना फिर उसको रोकना फिर चलाना फिर रोकना, इस तरह से बनाएंगे। एक कंटिन्यूसली नहीं चलाना है नहीं तो उससे फाइन पाउडर हो जाएगा, मिर्चों का फ्लेक्स नहीं बन पाएंगे। मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। ये देखिए हमारा जो है चिली फ्लेक्स वो रेडी है। ये देखिए मैंने खलबत्ते में बनाए अच्छे चिली फ्लेक्स रेडी हो रहे हैं। ये देखिए ये खलबत्ते के लिए और ये जो है मैंने मिक्सर के जार में बनाया। देखिए अब आप लोग भी इसको घर पर ट्राई करें